हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पोको मोबाइल में मैसेज रिंगटोन को कैसे बंद करें सबसे आसान तरीके से। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, तो चलिए मोबाइल के सेटिंग में हम चलते हैं। तो जैसे ही मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा चेक कर लेना, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो गाइस, ये सभी मोबाइल में होता है, आपके फ़ोन में होगा। आपको इस पर क्लिक करना है साउंड एंड वाइब्रेशन वाले सेटिंग पर। तो चलिए साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको नीचे आना है। देखिए, आप अगर नोटिफिकेशन यहाँ से सबसे कम कर देते हैं नोटिफिकेशन की आवाज़ को, तभी नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर नहीं बजेगा। और गाइस, अगर बंद करना चाहते हैं तो फिर क्या करना है, सिंपली नोटिफिकेशन पूरा रहे तो फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको रिंगटोन का एक ऑप्शन मिलेगा और उसी के नीचे नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन साउंड वाला ऑप्शन आप अपने फ़ोन में खोज लेना, आपको नीचे ऊपर मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन साउंड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ से आप देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे जो है नोटिफिकेशन साउंड चेंज कर सकते हैं, मैसेज साउंड यहाँ पर बदल सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से किसी को लगाना चाहते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर किसी गाना को भी आप लगा सकते हैं मैसेज रिंगटोन। लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए बंद करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए नन का। तो इस नन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद हो चुका है, पहले था कुछ और। बैक आते हैं, आपको दिखाते हैं, और नोटिफिकेशन साउंड नन है, मतलब कि कुछ भी नहीं लगा है, बंद हो चुका है, हट चुका है। अब जब भी मैसेज आएगा तो नहीं बजेगा। तो गाइस, इस तरीके से आप भी मैसेज रिंगटोन को बंद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।